हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आरटी ब्रेन्स। तो गाइस, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आप लोग के रिजल्ट्स जो कि अभी तक नहीं आए हैं, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो गाइस, यहां पे यदि आप एनसीबीटी की साइट खोलते हैं तो यहां पे एक जो है बैनर चला हुआ आ रहा है अलर्ट में, जहां की आप लोग को बताया गया है कि ओएमआर मोड में जो एग्जाम्स हुए थे सेमेस्टर सिस्टम 2014 से लेकर के 2021 तक का, ठीक है ये, और उसके बाद जो है ऑनगोइंग एग्जाम्स जो चल रहे हैं या फिर जो एनुअल सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स या फिर रेगुलर ट्रेनिंग के, उनका रिजल्ट्स जो है विल बी डिक्लेयर्ड शॉर्टली। ठीक है गाइज, यहाँ ये आप लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जो शॉर्टली लिखा हुआ वर्ड पढ़ रहे हैं ना अभी आप, ये अभी कल तक जो है यहाँ लिखा हुआ था विल बी डिक्लेयर्ड एट द एंड ऑफ दिसंबर। ठीक है, लिखा गया था एट द एंड ऑफ दिसंबर यहाँ पे लिखा गया था, और अभी यहाँ लिखा जा रहा है डिक्लेयर्ड शॉर्टली। ठीक है, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा लीजिए कि डीजीटी किस तरह से आप लोग को आश्वासन देकर के आप लोग के रिजल्ट के साथ खिलवाड़ कर रही है। और दूसरी बात कि रिजल्ट्स कब आएगा ये डीजीटी को भी अभी पता नहीं है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब जब पहले तो यहाँ पे आप लोग को बताया गया कि मार्कशीट वेरिफिकेशन लिंक जो है 5 दिन बाद इनेबल कर दिया जाएगा, ये 5 दिन का टाइम भी जो है खत्म हो चुका है। आप लोगों को पता है कि मार्कशीट वेरिफिकेशन जो लिंक है उसी से आप रिजल्ट अपना देखिएगा, है ना। तो 30 नवंबर का डेट जो था वो तो फेल हो ही गया, ठीक है 30 नवंबर वाला डेट। उसके बाद फिर जो है फिर कुछ उस तरह से नोटिस था कि जो है एक सप्ताह के भीतर दिसंबर में हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है बैनर था अलर्ट में आ रहा था कि एट द एंड ऑफ दिसंबर। अब डीजीटी ये भी श्योर नहीं है कि क्या दिसंबर में दे पाएंगे रिजल्ट, इस वजह से यहाँ पे क्या कर दिया गया है डिक्लेयर्ड शॉर्टली कर दिया गया है। यदि आप लोग जो अपडेट्स मतलब कि जो डेली का देखते हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे एट द एंड ऑफ दिसंबर था। तो गाइज, इस तरह का तो सिस्टम बना हुआ है डीजीटी का, ये रवैया है कि अभी तक आप लोग के रिजल्ट्स जो है पेंडिंग है। अब समझ लीजिए गाइज कि 2018 सेशन में जो एडमिटेड कैंडिडेट्स हैं उनका सेकेंड ईयर का भी यहाँ पे रिजल्ट फंसा हुआ है, फिर सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स का भी रिजल्ट यहाँ फंसा हुआ है, फिर 19-21 का जो है 19-21 का सेशन का जो है फर्स्ट ईयर का रिजल्ट फंसा हुआ है उनका, फिर एग्जामिनेशन, अब तक तो उनका एग्जामिनेशन लेना चाहिए था 19-21 सेशन का। तो गाइस, जिस तरह का रवैया है यहाँ पे आप लोग के जो डीजीटी महान एक तरह का क्या बोला जाए इसमें, तो गाइस इसमें कुछ आप लोग का ही सहयोग होगा तो इसमें कुछ बात बन सकता है, बट आप लोग सहयोग करते नहीं है। मैं पहले भी अपने चैनल के माध्यम से जो है कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्रोटेस्ट करने का प्रयास किया था, जहाँ की जो है ट्विटर के माध्यम से हम लोग भी कैंपेन चलाए थे। आप लोग को पता होगा इधर हाल फिलहाल में जो है 1 दिसंबर को डिजिटल प्रोटेस्ट किया गया था एनटीपीसी, ठीक है आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट्स को लेकर के, और उसका नतीजा भी आज 5 तारीख को देखने को मिल गया है। और उनका जो डेट्स है आरआरबी एनटीपीसी का वो 15 जनवरी को रिजल्ट्स आ जाएगा और 14 से लेकर 18 फरवरी को जो है सीबीटी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो गाइज ये पावर है डिजिटल प्लेटफॉर्म का। बट हम लोग जो आईटीआई फील्ड में जो 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 भी है कार्यरत, चाहे ट्रेनी हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे इंस्ट्रक्टर हो, है तो आई मीन देखिए सभी फील्ड में समस्याएं तो आती ही हैं, बट मिलकर के यदि साथ आए सभी लोग तो बहुत कुछ बात बन सकता है। जो उस टाइम में आप लोग का जो एग्जाम्स नहीं लिया जा रहा था उस टाइम ट्विटर कैंपेन चलाए थे हम लोग, महज आप लोगों ने कितने तो मैक्सिमम 150 या समथिंग कुछ ट्वीट्स किए थे, इतने में क्या होने वाला है बताइए, कहां मिलियन मिलियन ट्वीट जाता है। और अपने यहाँ जो आईटीआई कम्युनिटी है यहाँ पे भी बहुत सारे तादाद में इंस्ट्रक्टर या फिर प्रिंसिपल या फिर ट्रेनी या फिर कैंडिडेट जो भी हैं बहुत सारे हैं, तो सभी का ही कर्तव्य बनता है कुछ इस तरह का मुहिम चले, कुछ तरह का कैंपेन चले तो आप लोग को जरूर हिस्सा लेना चाहिए। तो गाइस कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि क्या ट्विटर कैंपेन का इस तरह कुछ हम लोग भी करें जिससे कि रिजल्ट्स में जो है तेजी आए और रिजल्ट्स जो है दे दिए जाए। अब शॉर्टली का मतलब तो कुछ नहीं समझ में आएगा, शॉर्टली तो इस तरह से आप लोग का बहुत चीजों में शॉर्टली लिख देता है और ये महीना 2 महीना 3 महीना ले लेता है, तो ये कुछ बात क्लियर नहीं हुआ। एंड ऑफ दिसंबर भी हटा दिया गया है, तो अभी ये कहना बिल्कुल एकदम अनिश्चित सा हो गया है कि रिजल्ट्स कब दिए जाएंगे। और बहुत सारे फर्जी सब भी वीडियो आ रहे हैं जहां बोला जा रहा है इस डेट में आ जाएगा, इधर आ जाएगा, उधर आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रिजल्ट्स कहीं आने वाला अभी फिलहाल तो है नहीं। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पे आप लोग अलर्ट में भी मैं दिखा दूं तो यहाँ पे एक दो अलर्ट यहाँ पे पढ़ लीजिए आप लोग। सीबीटी का जो एग्जाम का जो फीस है, ठीक है, एआईटीटी 2021 लाइक 2019 सेशन सेकंड ईयर, और 2020-21 सेशन ना कि 22 उनका जो है फीस पेमेंट लिंक एक्टिव कर दिया गया है, आईटीआई आपका पेमेंट करेगा। 3 दिसंबर डेट बढ़ा दिया गया था, ठीक है, फॉर्मेटिव एसेंस का मैं अपडेट आप लोग को दे भी दिया था। ठीक है, और वेरिफिकेशन लिंक तो इनेबल 5 दिन बाद किया जा रहा है, 1 महीना से किया जा रहा है, 5 दिन इनका खत्म ही नहीं हो रहा है।
ठीक है। और यहाँ पे डिक्लेयर्ड शॉर्टली वाला मैं आप लोगों को बता ही दिया, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, सर्टिफिकेट्स विल बी जनरेटेड 3 to 4 डेज हुज ग्रीवेंस अप्रूव्ड बाय ये, और ये भी जो है शॉर्टली वाला जो सिस्टम है डीजीटी का वो शॉर्टली ही हो रहा है। ये तो सिस्टम बना हुआ है, चेंजेस यदि नहीं करते हैं हम लोग मिल करके तो फिर ये आने वाले समय में, आने वाले समय के अभी से तो आप परेशानी देख ही रहे हैं। अभी समझिए आप लोग कितने फॉर्म्स आए हुए हैं, अप्रेंटिस का आया हुआ है और बहुत कुछ अभी तक जो है दिया गया है, मतलब बहुत सारे फॉर्म्स अप्रेंटिस जॉब्स के बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन बच्चे क्या करेंगे अभी, बस उनको बस रिजल्ट का वेट करना पड़ रहा है। तो होप गाइस आप लोग कुछ तो बात मेरे समझ में आई होगी, फिर भी बच्चे को जो है बहुत सारी परेशानियां हैं, तो कोई नहीं गाइस आप लोग समर्थन कीजिए, हम लोग कुछ इस तरह का यदि चलाते हैं तो आप लोग जरूर उस कैंपेन का हिस्सा बनिए। और कमेंट्स में बताइए कि क्या इस तरह का ट्विटर कैंपेन कुछ चलाया जाए हम लोग के माध्यम से भी, तो हम लोग जरूर इसमें आगे बढ़ेंगे। और मेरा फुल सपोर्ट है, आप लोग जितने भी आईटीआई कैंडिडेट्स हैं सबके साथ मतलब मेरा फुल सपोर्ट है, मैं अपने तरफ से भी जितना होगा करूंगा, बस आप लोग का समर्थन चाहिए। तो गाइस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं अगले अपडेट अगले इन्फॉर्मेशन तक के लिए, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।